दरभंगा उत्पाद विभाग की छापेमारी में जब्त की गई भारी मात्रा में शराब को विनिष्टीकरण किया गया। लहरियासराय क्षेत्र के उत्पाद विभाग परिसर में 1742 लीटर देसी शराब, 2083 लीटर विदेशी शराब, कुल 3825 लीटर देसी विदेशी व बियर को नष्ट किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्पाद इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल ने बताया कि पिछले दिनों दिसंबर 2020 तक पकड़े गए देसी विदेशी शराब जब्त किया था। वह शराब विगत कई महीनों से मालखाना में पड़ा था। बिहार सरकार के संशोधित उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त शराब को विनिष्टीकरण किया गया। वहीं लाल ने कहा कि उत्पाद विभाग की पुलिस शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से सख्त बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिर भी जो भी लोग इस धंधे में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई सख्त तरीके से की जाएगी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त कर विनिष्टीकरण कर दिया है। खासकर देख सकते हैं कैसे ये शराब यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसे जेसीबी से विनिष्टीकरण किया जा रहा है। यही वो परिसर है उत्पाद विभाग का। लहरियासराय स्टेशन के पीछे जस्ट ये उत्पाद विभाग का परिसर है जहाँ पर ये काम होता है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा भारत समाचार को। जितना भी शराब पकड़े थे हम लोग, उसका आज विनिष्टीकरण हो रहा है लहरियासराय स्टेशन के पास। हम लोगों का जो बैरक है, उत्पाद बैरक में, और देसी शराब टोटल हम लोग 3825.755 लीटर आज भी नष्ट कर रहे हैं। किस किस तरह का शराब है जो इसमें? देसी शराब, चुलाई शराब भी है, और देसी शराब भी है, बियर भी है, और फॉरेन लिकर भी है, विदेशी शराब भी है। किन किन इलाकों से ये सारा शराब पकड़े गए? वैरायटी है, वो सब ब्रांड है।